हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर प्लांट के आर आर बी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन ये हमारी सीरीज़ का चौदवा वीडियो है इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में हम लगभग पंद्रह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट रेंकाइन कार्नोट ऑटो या फिर जूल साइकिल तो पावर प्लांट में हम कौन सा साइकिल यूज़ करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा बात हो रही हो पावर प्लांट की और रेंकाइन साइकिल की बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर प्लांट में यूज़ होने वाला प्रैक्टिकल साइकिल जो है वो रेंकाइन साइकिल है यदि हम बेसिक बात करें कि रेंकाइन साइकिल जो है उसमें क्या होता है तो यदि हम बात करें जो हमारा वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एक बॉयलर होता है बॉयलर में हम जो है हीट देते हैं जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है पानी जब वो स्टीम बन जाती है तो वो जाती है स्टीम टर्बाइन के अंदर टर्बाइन में एक्सपांड होती है और यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है यानी कि जो हमारी पावर प्रोड्यूस होती है वो टर्बाइन से होती हैं जब टर्बाइन में जो है स्टीम एक्सपांड हो जाती हैं फिर उसको हम कूल cool करते हैं कंडेंसर में जब कंडेंसर में हम कूल cool कर देते हैं तो वो पंप में के द्वारा वापस बॉयलर में भेज देते हैं और हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है अब ये तो जनरल डायग्राम हो गया यदि हम बात करें इसके टीएस डायग्राम की तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी तो यदि हम इसका टीएस डायग्राम बनाएं तो टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सेचूरेटेड कार्वे आप सभी को सेचूरेटेड का मतलब पता होगा मुझे उम्मीद है तो यदि हम बात करें सबसे पहले बॉयलर की तो बॉयलर में जो हीट एडिशन होता है वो कॉस्टेंट प्रेशर पे होता है तो ये हमारा कॉस्टेंट प्रेशर हो गया और यहाँ से हीट एडिशन होती है प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है उसके बाद में टर्बाइन में जो है एक्सपांड होती है तो जब टर्बाइन में एक्सपांड होगी तो ये आपके एक्सपांड हो जाएगी यानी कि मैं इसको नाम दे दूँ वन यहाँ पे टू और थ्री तो टू और थ्री के बीच में कौन है टर्बाइन टर्बाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है यानी कि रिवर्सिबल एडियोबैटिक जब ये टर्बाइन में एक्सपांड हो गई तो फिर जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो जो है कॉस्टेंट प्रेशर पे होता है यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है और जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो पंप द्वारा जो है वापस पंप जो है वर्क जो है कंज्यूम करेगा और टर्बाइन में वर्क प्रोड्यूस होगा तो ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है रेंकाइन साइकिल में के बारे में बेसिक पता चल गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज कार्नोट साइकिल के बारे में आप सभी जानते हैं ये हमारा एक आइडियल साइकिल है और इसमें जो चार प्रोसेस होते हैं उनमें से दो आइसो होते हैं और दो आइस होते हैं अब यदि हम बात करें कार्नोट साइकिल की तो यदि ये आइडियल साइकिल है तो इसकी जो एफिशिएंसी होती हैं वो बाकी के जितने भी साइकिल हैं उन सब में मैक्सिमम होती हैं और इसकी जो एफिशिएंसी होती हैं वो वर्किंग फ्लूड पे डिपेंड नहीं करती ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है यानी कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक तो इसकी एफिशियंसी क्या हो जाएगी वन माइनस टी लोवेस्ट अपॉन टी हाइएस्ट यहाँ पर टी जो है ये हमारा टी लोवेस्ट है अपॉन टी हाइस्ट है तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर होने को तो डी भी हो सकता है लोवेस्ट अपॉन अपॉन या फिर रिजेक्ट सप्लाई ये भी हो सकता है लेकिन जब टेम्परेचर का दिया गया हो तो हमारा जो आंसर है वो बी बीब जो है करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं द कंप्रेसर परफॉर्मेंस एट हायर एल्टीट्यूड कंपेयर टू सी लेवल विल बी लोअर हायर डिपेंड ऑन अदर फैक्टर द सेम अभी बात आ रही है कंप्रेसर की तो आपको परफॉर्मेंस कब पता चलेगी परफॉर्मेंस का मतलब कि है इसकी एफिशिएंसी तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है वन माइनस सी इंटू आर पी की पावर वन अपॉन एन माइनस वन ये होता है कंप्रेसर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला सी यहाँ पे है क्लियरेंस रेशियो यदि मैं बात करूँ क्लियरेंस रेशियो की तो वो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वाफ्ट वॉल्यूम आर है प्रेशर रेशियो अब देखिए जब प्रेशर जो है आर पी की वैल्यू बढ़ेगी ये बढ़ेगा तो कुल मिला के वन माइनस जो है माइनस वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होगा यानी कि एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी अब हम बात करते हैं आर पी की ये होता है पी टू बाई पी वन यानी कि कह सकते हैं कि ये हमारा एग्जिट है और ये इनलेट प्रेशर है इनलेट प्रेशर यानी कि जो एटमोसफियर वाला प्रेशर होगा और जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा रिड्यूस होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारा पीवन है इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो आर पी की वैल्यू बढ़ जाएगी आर पी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो परफॉर्मेंस क्या होगी लोअर होगी तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा द क्लियरेंस रेशियो फॉर ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर लाइज बिटवीन अभी हमने बात की थी कि क्लियरेंस रेशियो जो होता है वो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेफ्ट वॉल्यूम तो ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर के लिए कितना होता है ये होता है फोर टू टेन परसेंट तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा ये आपको डायरेक्ट याद रखना है द गेस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ ए क्लोज साइकिल गेस टर्बाइन इज कूल्ड एट तो यहां पे गैस पावर साइकिल की बात हो रही है तो गैस पावर जो साइकिल होता है वो ब्रेटन साइकिल होता है और ब्रेटन साइकिल में जो हीट एडिशन और हीट रिजक्शन होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है यदि मैं बात करूँ इसके साइकिल की सिंपल डायग्राम की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है हीट एडिशन होता है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे हीटिंग चैम्बर हीटिंग चैम्बर के बाद में टर्बाइन लगा होता है टर्बाइन में जब ये एक्सपांड हो जाती हैं तब हम इसको ले जाते हैं कूलिंग चैम्बर में कूलिंग चैम्बर में जो है हीट रिजेक्ट हो जाती हैं और उसके बाद में कंप्रेसर के द्वारा हम वापस हीट जो है हीटिंग चैम्बर में वापस भेज देते हैं तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है ब्रेटन साइकिल अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो हीट एडिशन है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है और हीट रिजेक्शन भी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है तो यानी कि कूलिंग चैम्बर तो यहाँ पे कूलिंग चैम्बर की बात हो रही है तो कूलिंग चैम्बर में कूल cool किस पे हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेसर पे तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा द डिवाइस इन विच द वर्क इज डन बाय द फ्लूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स दी इज नॉन एज कंप्रेसर थ्रोटलिंग डिवाइस टर्बाइन या फिर हीट एक्सचेंजर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वर्क इज डन बाय द फ्लूड यानी कि वर्क प्रोड्यूस किससे होता है कंप्रेसर तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है थ्रोटलिंग जो है आइसो एंथेल्पिक एक्सपांशन होता है यहाँ पे और हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होती है तो हमारा जो आंसर है वो टर्बाइन हो जाएगा टर्बाइन में जब स्टीम आती हैं उसकी एंथेल्पी ज़्यादा होती हैं और जब ये एक्सपांड होती है तो पावर प्रोड्यूस हो जाती हैं और जब पावर प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये इसकी एंथेल्पी रिड्यूस हो जाएगी तो ये जो पावर है यानी कि जो हमारा वर्क आउटपुट है टर्बाइन का वो क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू ये जो डिफ्रेंस आएगा वही क्या होगा वही हमारा वर्क आउटपुट होगा तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ ए स्टीम टर्बाइन कॉन्स्टेंट फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज नोन तो यहां पे बात हो रही है टर्बाइन की स्पीड की तो टर्बाइन की स्पीड हमको कॉन्स्टेंट रखनी है कब जब लोड का वेरिएशन हो लोड यानी कि जब हमको रिक्वायरमेंट अलग अलग लोड की होगी तो वहां पे स्टीम जो है वो अलग अलग क्वांटिटी में जाएगी फिर भी हमको स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रखनी है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे रीहीटिंग गवर्निंग कूलिंग या फिर ब्लीडिंग तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा गवर्न। गवर्निंग गवर्निंग इसलिए कहते हैं कि जो स्पीड का मेंटेन मेंटेन होती है कॉस्टेंट स्पीड वो कौन करता है वो करता है आपके गवर्नर तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गवर्निंग तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इस टर्बाइन से कनेक्टेड है गवर्नर द ओवरऑल एफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू रेंकाइन साइकिल एफिशियंसी कार्नोट साइकिल एफिशियंसी रीजनरेशन साइकिल एफिशियंसी या फिर बॉयलर एफिशियंसी इन टू टर्बाइन एफिशियंसी इन जनरेटर एफिशियंसी तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा यदि हम थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशियंसी की बात करें तो वो हो जाएगी बॉयलर की एफिशियंसी इन टू टर्बाइन की एफिशियंसी और जनरेटर की एफिशियंसी ये आपको ध्यान रखना है इकोनोमाइजर यूज इन पावर प्लांट इज यूज टू यूज टू हीट किसको हीट करने के लिए हम इकोनोमाइजर यूज़ करते हैं फ्लू इंटेक एयर स्टीम या फिर फीड वाटर तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फीड वाटर फीड वाटर यानी कि जो हम वाटर जो है बॉयलर में फीड करते हैं उसे हम बोलते हैं फीड वाटर इकोनोमाइजर क्या करता है कि जो हमारी फ्लू गैसेज होती हैं जो चिमनी से बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलने से पहले इकोनोमाइज़र यूज़ होता है जो फीड वाटर को जो है इनिशियली होट कर देता है यानी कि जो फ्लू गैसेस होती हैं उनसे जो हीट होती हैं वो हीट लेके फीड वाटर को गर्म कर देता है इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि ये जो बॉयलर में पानी जाएगा वो हायर टेम्परेचर का जाएगा तो बॉयलर में जो हीट इनपुट है वो हमें कम देना पड़ेगा यानी हीट हमारी हीट सप्लाई जो है वो यदि रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे प्लांट की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि आप सभी को पता है एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई तो हीट सप्लाई यदि हम डिक्रीज कर दें तो भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या फिर वर्क प्रोड्यूस यदि हम ज्यादा कर दें तो भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो इकोनोमाइजर क्या है हमारे पावर प्लांट की एफिशियंसी इम्प्रूव करता है हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन इंसुलेटेड पाइप केयरिंग हॉट वाटर रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कोइल्स मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर बॉयलर फर्नेस तो हमारा जो सही आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा बॉयलर फर्नेस के अंदर कंडक्शन भी होता है कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है रेडियन रेडिएशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है अनदर नेम फॉर द कोल यूज इन पावर प्लांट इज चारकोल कोक स्टीम कोल या फिर वेट कोल जो पावर प्लांट में हम कोल यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टीम कोल चाहे स्टीम कोल कहो या फिर इसका एक दूसरा नाम है वो भी आपको याद रखना है थर्मल कोल अब इसका नाम स्टीम कोल क्यों है क्योंकि हम जब सिंपल कोल होता है उसका हम पाउडर बना लेते हैं पाउडर भी कैसा फ़ाइन पाउडर जब हम फाइन पाउडर बना लेंगे यानी कि जब पाउडर बन गया कोल का तो इसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और जब एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसको जलाना जल जल्दी जला सकते हैं यानी कि बर्न क्विकली तो जल्दी बन जाएगा और हम क्या करेंगे प्रोड्यूस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कोल यूज़ करते हैं और वो जो कोल है वो हम पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं इसीलिए इसका नाम है स्टीम कोल विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर जनरेट एंड सप्लाई स्टीम एट हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम बॉयलर स्टीम इंजन स्टीम पंप या फिर स्टीम टर्बाइन तो बात हो रही है

टर्बाइन होता है उसकी स्पीड को मेंटेन रखना अलग अलग लोड पे वही होता है गवर्निंग अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टीम होती हैं वो निकाल लेते हैं हम किसके लिए फीड वाटर के लिए अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है टर्बाइन का टर्बाइन के अंदर स्टीम आती हैं और कंडे एक्सपांड होकर कंडेंसर में चली जाती हैं ये तो हो गया जनरल प्रोसेस लेकिन जब हमें फीड वाटर को पहले से गर्म करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं टर्बाइन के बीच में से ही, ही हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ये जो बीच में से ही, ही हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग ब्लीडिंग ऑफ टर्बाइन तो ऑप्शन पे बी करेक्ट हो जाएगा द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गेस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो इनफाइनाइट नेगेटिव या फिर रिमेंस कोस्टेंट आप सभी को पता है क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी क्यू यहाँ पे क्या है हीट है मास है एम सी स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है स्पेसिफिक हीट के बारे में यानी कि सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी अब देखिए डेल्टा टी का मतलब क्या है टेम्परेचर डिफरेंस टी टू माइनस टी वन अब प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मल आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि टी टू बराबर टी वन हो जाएगा तो जब वैल्यू नीचे जीरो हो जाएगी तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू अपॉन जीरो यानी कि इनफाइनाइट तो द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ गेज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट तो ऑप्शन यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वेन हीटेड फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस फास्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज फर्स्ट डिक्रीज़ेस एंड देन इंक्रीजेज इंक्रीजेज स्टडीली डिक्रीजेज स्टडीली तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है यदि फ्रेंड्स आपको पता है कि डेंसिटी जो है वाटर की कौन से टेम्परेचर पे कितनी होती हैं इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि चार डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो जब डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम अपॉन मास यानी कि मैं लिख सकता हूँ यदि स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखूँगा तो डायरेक्ट वी लिख दूंगा क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा आपके वॉल्यूम अपॉन मास तो कुल मिला के डेंसिटी के स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब चार डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो वॉल्यूम क्या होगा मिनिमम होगा यानी कि पहले वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा रहा होगा फिर फोर पे मिनिमम हुआ होगा और फिर वापस बढ़ने लगा होगा मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी डेंसिटी ये डेंसिटी और ये टेम्परेचर तो चार डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है यानी कि पहले चार तक बढ़ेगी फिर डिक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम जो है वो उसका उल्टा हो जाएगा पहले वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और फिर इनक्रीज होगा यहाँ पर बात हो रही है जीरो डिग्री सेल्सियस की यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस से यदि हम बात करेंगे तो पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा इफ वन किलोग्राम मिक्सर ऑफ स्टीम कंटेंट पॉइंट एट किलोग्राम ऑफ ड्राई वेपर एंड पॉइंट टू किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम इज यदि हम बात करें ड्राइनेस फ्रैक्शन की तो वो क्या होता है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड तो यहाँ पे मास ऑफ पेपर कितना दे रखा है पॉइंट एट किलोग्राम ऑफ ड्राई वेपर तो ड्राई वेपर की वैल्यू है पॉइंट एट अप टोटल कितना है वन किलोग्राम डायरेक्ट वन किलोग्राम लिख दो या फिर एम वी की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट टू किलोग्राम मॉइस्चर है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट एट अपऑन वन आ जाएगी यानी कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन एट आ जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा अब ये ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है ड्राइनेज फ्रैक्शन यदि हम परसेंटेज में बात करें तो ये एट्टी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि जो हमारा ड्राई वेपर है वो एट्टी परसेंट है टोटल कंटेंट के अंदर और जब स्टीम जो है एक्सपांड होती है टर्बाइन के अंदर तो मैक्सिमम हम उतना एक्सपांड करते हैं कि ड्राइनेज फ्रैक्शन जो है वो मिनिमम नाइन्टी तक रहे यानी कि पॉइंट तक वैल्यू रहे इससे नीचे यदि हम एक्सपांड कर देंगे तो वहाँ पे लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा जिससे हमारा टर्बाइन का जो ब्लेड होता है उस पर कोरोजन हो जाएगा और टर्बाइन की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी इसलिए हमारा जो ड्राइनेज फ्रैक्शन है वो पॉइंट नाइन तक रहना चाहिए या इससे ज़्यादा रहना चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि आप ड्राइनेज फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग समझ गए होंगे तो फ्रेंड्स ये थे और प्लांट के क्वेश्चन आपको वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो वीडियो को कम्प्लीट देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत